हेलो फ्रेंड टू माय न्यू चैनल और मैं हूं दीपक। टेक में कार्ड्स फॉर यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप अपने फ़ोन को एक स्मार्ट मीटर कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है फ्यूल ABC। जिसे ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप इसे यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लो हो रहा है, अब हम इसमें साइन इन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। Please enter your mobile number. Enter your vehicle registration number here. अपनी बाइक नंबर डालना है। मैं मैं अपनी बाइक का नंबर डाल देता हूँ और आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। अभी नहीं आएगा। यहाँ से आपको बाइक सिलेक्ट करना है, अगर कार है तो आप कार भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको सिलेक्ट मेकर पे क्लिक करना है। आपकी जिस कंपनी की जो भी गाड़ी है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। मेरी हीरो की, तो मैं हीरो पे क्लिक करूँगा। और पेट्रोल सिलेक्ट मॉडल, जो भी मॉडल है आपके स्प्लेंडर प्लस, जो भी मेरा स्प्लेंडर प्लस है तो मैं इसे क्लिक करूँ। आपको यह सिलेक्ट करना है जिसमें आपने अभी बाइक ली है। अब आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। प्लीज क्लिक ऑन अ व्हीकल टू स्टार्ट जर्नी। अब आपको ये यहाँ पे पेट्रोल की वो भी बताया कि आपके स्टेट में पेट्रोल क्या भाव है, कितने रुपए लीटर। GPS फ्रेंड्स, इसके लिए आप वो प्लीज वेट, वी आर रिक्वेस्टिंग द GPS लोकेशन फॉर दिस डिवाइस। इस स्मार्ट मीटर के द्वारा आप अपनी बाइक की स्पीड देख सकते हैं। ये आपको माइलेज भी बताएगा आपकी, और कॉस्ट माइलेज और पेट्रोल कितने रुपए लीटर है वो भी बताएगा आपके आपकी स्टेट में। फ्रेंड्स, इससे आपको ये फ़ायदा है कि आपको कौन से गियर में कितने स्पीड में गाड़ी चलानी है और आपकी स्पीड लिमिट क्या है, ये आपको GPS द्वारा बताएगा। और आपको ये माइलेज कैसा दे रहा है वो भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रूफ भी ले आऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड कमेंट।